नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी की बेटी ने गंगापुर शहर का मान प्रदेश स्तर पर बढ़ाया। राजधानी जयपुर में महारानी विश्वविद्यालय राजस्थान के 75वें वार्षिक महोत्सव पर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक BSc में 87% प्राणी विज्ञान में सर्वाधिक अंक अर्जित कर शहर का मान सम्मान बढ़ाया। शिखा शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता व शहर का नाम रोशन किया। आइए देखते हैं वार्षिक महोत्सव की झलक। फर्स्ट पोजीशन फॉर BSc एग्रीगेट एंड कॉलेज पोजीशन के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया जाए। शिखा कुमारी शर्मा के लिए राजस्थान के करौली जिले का सबसे बड़ा इनामी डकैत में 3 सदस्यों को पकड़ने में करौली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। डकैत रामलखन गुजर पर 20,000 रुपए व बचन गुजर पर 5,000 रुपए का इनाम था। इनामी डकैतों के साथ गिरोह के 2 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए। आरोपियों से 1 सेमी ऑटोमेटिक गन, 1 315 बोर बंदूक व 79 जिंदा व 32 खाली कारतूस बरामद किए। रामलखन गुजर वह राज्य के 25 बड़े नामी डकैतों में शुमार था। SP प्रीति चंद्रा ने बताया कि इस डकैत ने 10 जनवरी को मासलपुर के खनन ठेकेदार की पिटाई कर मूत्र पिलाने की अमानवीय घटना में वांछित आरोपी था। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस ने UP, MP, गुजरात के कच्छ में भी कई जगहों पर डेरा डाला। आरोपियों को पकड़ने के लिए फोन ट्रेस किए गए। पुलिस डकैतों से कई मामलों की जांच कर रही है। आइए देखते हैं संवाददाता गोपाल लाल माली की रिपोर्ट। कल जा रहा था, इसलिए इस बार हमारा प्रयास ये था कि किसी भी सूरत में ये निकले नहीं। तो इस घेराबंदी के बावजूद भी हम लोग बड़े पेशेंस से ये वेट कर रहे थे कि जल्दबाजी किसी भी तरफ से नहीं हो। और आज सुबह हमने इसको और इसके पूरी गैंग के सदस्यों को हमने दबोच लिया है। कितने का इनाम और इसके साथ में और कौन कौन पकड़े गए? रामलखन गुजर के ऊपर 20,000 का इनाम है जो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से किया गया है, और इसके साथ जो बच्चन है उसके ऊपर 5,000 का इनाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय करौली की तरफ से घोषित किया हुआ है। क्या हथियार बरामद हुए? इनके पास एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन मिला है, एक 312 बोर की बंदूक मिली है, और बाकी इसके पास 100 के आसपास तकरीबन कारतूस मिले हैं जिंदा। भरतपुर जिले के ब्याना के पीरूपुरा शहीद स्थल पर 3 दिन से चल रहे धरना व अनशन को पुलिस व प्रशासन के अधिकारी व समाज के पंच पटेलों की समझाइश के बाद स्थगित किया गया। यह अनशन व धरना प्रदर्शन गुजर समाज के शिक्षित बेरोजगार और अभ्यर्थियों की ओर से रखा गया था। उनका कहना था कि सरकार अपने वादे व समझौते के अनुसार सरकारी नौकरी नहीं दे रही है, जिससे गुजर समाज में काफी रोष व्याप्त है। अनशन स्थगित करने के साथ ही युवाओं ने 28 मई तक उनकी मांगों की सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। धरना देने का वो 2-3 दिन से बैठे थे, इसलिए हमारे क्षेत्र के देखते हुए, प्रशासन को देखते हुए, समाज को लाभ लेते हुए अगली 28 तारीख को यदि सरकार ने पालना नहीं करी तो अगली पूरे समाज इसी स्थान पर इकट्ठी होगी, अगली तय उसी दिन करेंगे। उन्होंने धरना दिया अपनी नौकरी के लिए, 4-5 महीने से ये भटक रहे हैं। सरकार ने वादा किया था फरवरी माह में कि हम प्रक्रियाधीन भर्तियों में सब में 4% जो आपका रिजर्व है वो सब दिया जाएगा और 5% के साथ लागू किया जाएगा। लेकिन बीच में अभी 15 अप्रैल को हमारी एक वार्ता थी अखिल अरोड़ा जी से, जो जिस टाइम आचार संहिता लगी हुई थी, उन्होंने वादा किया था कि आचार संहिता के बाद में आपके जो भी ये प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं उन सब में ऑर्डर कम्प्लीट है, हम उस दिन ऑर्डर निकाल देंगे जैसे आचार संहिता ख़त्म होगी। लेकिन आचार संहिता के बीच में RPSC ने रिशफल निकाला, उसमें रीट के 1% दिया जबकि 5% देना था, 4% को रोक लिया। ऐसे ही रेंजर की RPSC में एक रेंजर की भर्ती निकली, उसमें संशोधित करके उसको विज्ञप्ति निकाली। तो सरकार के अधिकारी कहीं न कहीं उस आड़ में, 1-2 डिपार्टमेंट की आड़ में पूरी भर्तियों को करना चाहते हैं। इन लोगों का यही आक्रोश है कि हमारे साथ जो समझौता हो समझौते की पालना हो। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में लोकसभा चुनावों में मोदी की जीत को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। मोदी की जीत को लेकर शहर के चौराहे पर फटाखे फूटना शुरू हो गया। राजस्थान में चौतरफा भाजपा ने जीत हासिल की है। भाजपा की जीत को लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। मोदी